वीमेन्स प्रीमियर लीग के 16वें मुकाबले में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर की यह 7 मैचों में दूसरी जीत है। इस धमाकेदार जीत के बाद टीम ने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बरकरार रखा है। गुजरात की यह 7 मैचों में 5वीं हार है। टीम अब अंतिम पायदान पर आ गई है। मैच की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 188 रन बनाए। टीम की ओर से लॉरा वोलवॉट ने सबसे ज्यादा रन बनाए। बड़ा लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी बेंगलोर ने आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही ओवर से विरोधियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले विकेट के लिए कप्तान स्मृति मंधाना और स्टार बल्लेबाजी डिवाइन ने केवल 57 गेंदों में 125 रनों की साझेदारी निभाते हुए शानदार शुरुआत दी। इस बीच आरसीबी की ओपनर सोफी डिवाइन ने विमेन्स प्रीमियर लीग का सबसे लंबा छक्का जड़ा। 33 वर्षीय डिवाइन ने आरसीबी की पारी के 9वें ओवर में गुजरात जायंट्स की तनुजा कुंवर की गेंद पर 94 मीटर का छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया। डिवाइन ने 99 रन बनाए, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 15.3 ओवर में 189 रन का लक्ष्य हासिल किया।